स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मैम, योर इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। सो वी हैव कंप्लीटेड टॉपिक नंबर 1 to 4। सो टुडे रिवीजन टेस्ट यूनिट 1 to 4। टाइम 60 मिनट्स का है और मार्क्स 60 है। ओके, सो आई एक्सप्लेन दिस टेस्ट, देन All of you completed this test. So first है, how many letters are there in the English alphabet? हम ये पढ़ चुके हैं सारे टॉपिक्स, ये क्वेश्चंस भी आपको याद होंगे। How many letters are there in the English alphabet? English alphabet में कितने letters है, 26. Okay. Next question, write and in 5 words is beginning with the different vowels. डिफरेंट डिफरेंट वोवेल्स से जो स्टार्ट होते हैं बिगिनिंग लेटर्स, सो उसके हमें 5 नेम लिखने हैं। तो कौन से, एप्पल, एलिफेंट, आइसक्रीम, ऑरेंज एंड अम्ब्रेला। ओके, इज इट क्लियर? एप्पल, एलिफेंट, आइसक्रीम, ऑरेंज एंड अम्ब्रेला। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर है, व्हेन इज योर बर्थडे, राइट द नेम ऑफ द मंथ। आपका बर्थडे कब आता है और कौन से महीने में आता है, उस मंथ का आपको यहाँ से नेम लिखना है। ओके, तो देखिए आप अपने अपने बर्थडे का कौन सा मंथ आता है आपको यहाँ पे लिखना है, इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, आपको लिखना है वो। राइट द नेम ऑफ द मंथ, इट इज़ अ नाउ, अभी कौन सा मंथ चल रहा है वो लिखना है हमें। तो कौन सा चल रहा है, सेप्टेम्बर, SEPTEMBER। कौन सा चल रहा है अभी मंथ, सेप्टेम्बर। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर, विच मंथ हैज़ 3 लेटर्स, कौन से महीने में 3 लेटर्स आते हैं। यस, मई महीने में कितने लेटर्स आते हैं, 3 लेटर्स आते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर है, व्हाट डे इज टुडे, आज का डे कौन सा है, कौन सा दिन है आज का, फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। ओके, राइट द नेम ऑफ द डेज दैट बिगिन विथ एस, ऐसा कौन से दिन है जो एस से स्टार्ट होते हैं। तो सैटरडे भी लिख सकते हैं हम, संडे भी लिख सकते हैं। तो आई होप सबको संडे पसंद है, क्योंकि संडे इज अ हॉलीडे, इसलिए मैंने यहाँ पे संडे लिखा। ओके, नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ एनी 5 चिल्ड्रन ऑफ यूअर क्लास इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, आपके क्लास के स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, जैसे कि ABCD कंटिन्यू जो होते हैं उससे। तो फर्स्ट मैंने लिख दिया है आर्या, उसके बाद दक्ष, गार्गी, हर्षल और लावण्या, ये हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। नेक्स्ट 9 नंबर है, राइट इट राइट, ये करेक्ट नहीं है, आपको इस सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना है। टोनी हैज़ अ काइट, ये किसी का नाम है, तो फर्स्ट लेटर कैसा चाहिए था, टी कैपिटल चाहिए था। और लास्ट में ये जो के काइट दिया है ये कैपिटल लेटर दिया है, बट यहाँ पे कौन सा लेटर चाहिए, स्मॉल लेटर चाहिए, ये एच, बीस में एच, ये कैपिटल नहीं चाहिए था, स्मॉल चाहिए था। तो देखो हम इसको करेक्ट करके कैसे लिखे, टोनी, टोनी किसी का नाम है इसलिए फर्स्ट लेटर कैसा आएगा, टी कैपिटल। ओके, टोनी हैज़ अ काइट, के कैसा चाहिए हमें, स्मॉल। ओके, काइट, और लास्ट में क्या चाहिए, फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टेस्ट, सो यू हैव कंप्लीटेड इन योर वर्कबुक। नाउ लेट्स स्टार्ट टॉपिक नंबर 5, नेमिंग वर्ड्स और नाउंस। ओके, वी हैव डन टॉपिक नंबर 4, सो नेक्स्ट टॉपिक इज 5 नंबर, नेमिंग वर्ड्स और नाउंस। ओके, सो एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग्स हैज अ नेम इन ग्रामर, वी कॉल देम नेमिंग वर्ड्स और नाउंस। द नेम ऑफ कॉमन थिंग्स बिगिन विद स्मॉल लेटर्स, देखिए एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग्स हैज़ अ नेम इन अ ग्रामर, वी कॉल देम नेमिंग वर्ड्स। अगर किसी पर्सन का नाम है या फिर किसी प्लेस का, मतलब किसी जगह का नाम है, तो हम उन नामों को क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड्स और नाउंस। द नेम्स ऑफ कॉमन थिंग्स, और जो कॉमन थिंग्स होते हैं
विद द स्मॉल लेटर, जो कॉमन थिंग्स होते हैं, जैसे कि रैट मतलब कोई चीज़ों के नाम है, ठीक है, तो उन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, कॉमन नेम बोलेंगे, उनके फर्स्ट लेटर ऑलवेज स्मॉल लेटर्स में होते हैं। लेटर दिस कॉमन नेम्स, ये सब क्या है, जैसे कि बर्ड्स के नेम है, फ्रूट्स नेम है, हाँ जैसे सब्जी के नेम है, कपड़ों के नेम है, ट्राउजर्स वगैरह, ठीक है, ये हॉस्पिटल, ये सब क्या है, कॉमन नेम है। नेक्स्ट है, नाउ चूज़ फ्रॉम द बॉक्स नेम फॉर ईच ग्रुप, ये ग्रुप है, इन ग्रुप्स में जो जो है उनके नाम हमें इस बॉक्स से ढूंढ कर यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि उन्होंने बर्ड्स, ये बर्ड्स है, विच ग्रुप, बर्ड्स ग्रुप्स, ठीक है, तो जैसे फर्स्ट उन्होंने लिख दिए क्राउ, तो ये क्राउ था, तो ये कौन है, पिगॉन है, तो देखिए यहाँ पे यहाँ से ढूंढ लीजिए, तो ये पिगॉन मिल गया, पिगॉन, तो ये हमने ढूंढ के यहाँ पे लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट बर्ड है पिकॉक, ओके, तो पिकॉक बर्ड भी यहाँ से सर्च कीजिए आप, यहाँ पर आपको पिकॉक मिल जाएगा, ये रहा पिकॉक, तो ये भी हमने सर्च करके यहाँ पे लिख दिया। ओके, नेक्स्ट थिंग्स, अभी ये थिंग्स मतलब कुछ चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों के नाम भी हमें इस वर्ड बॉक्स से ढूंढ के यहाँ पे राइट करना है। तो फर्स्ट उन्होंने लिख दिया है पेन, नेक्स्ट वर्ड है बॉक्स, तो सर्च, ये रहा बॉक्स, ओके, तो हमने यहाँ पे बॉक्स लिख दिया है। नेक्स्ट क्या है, विच, काइट, तो काइट वर्ड भी यहाँ पे होगा, देखिए काइट, ओके, सो राइट द काइट वर्ड। नेक्स्ट है फ्रूट्स, फ्रूट्स में क्या है, फर्स्ट उन्होंने लिख दिया एप्पल, नेक्स्ट वर्ड यू सी ग्रैप्स, तो यहाँ पे मैंने वर्ड बॉक्स से चूज़ करके यहाँ पे ग्रैप्स लिख दिया है। नेक्स्ट है बनाना, तो यहाँ पे हमने बनाना राइट कर दिया। ओके, नेक्स्ट फोर नंबर है प्लेस नेम, प्लेस नेम, ओके, तो फर्स्ट उन्होंने लिख दिया है टेम्पल, नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको प्लस का साइन दिख रहा है, मतलब ये चर्च है, तो नेक्स्ट लिख दिया है चर्च, और ये है झू, जहाँ पे एनिमल्स होते हैं उसको हम झू बोलते हैं, ओके, झू। नेक्स्ट है वर्कर्स नेम, तो यहाँ पे आपको कोबलेर दिख रहा है, ये है कोबलेर, ओके, तो यहाँ पे कोबलेर लिख दिया है। नेक्स्ट है पुलिस मैन, तो यहाँ पे पुलिस मैन लिख दिया है, और नेक्स्ट है फार्मर, तो यहाँ पे फार्मर लिख दिया है। अभी सिक्स नंबर है क्लॉथेस, तो क्लॉथेस में देखिए ये क्या है, शर्ट, और ये शॉर्ट्स है, पैंट दिख रहा है, शॉर्ट्स, और ये देखिए कोट है, फोल्ड करके रख दिया है, तो ये है कोट, ओके, ये सब वर्ड बॉक्स में है, यहाँ से हम चूज़ कर करके लिख रहे हैं। नेक्स्ट है सेवन नंबर एनिमल्स, तो यहाँ पे विच एनिमल्स देयर, पिग, काउ एंड टाइगर, तो नाउ काउ इज ऑलरेडी राइट, सो नेक्स्ट वर्ड है पिग, देयर इज अ पिग, सो राइट द पिग वर्ड, ओके, नेक्स्ट टाइगर। एट नंबर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में पोटैटो, नेक्स्ट कैरट, ओके, एंड नेक्स्ट कैबेज, ओके। नेक्स्ट है द नेम ऑफ पीपल, डेज, मंथ्स, फेस्टिवल, बुक्स, टाउन्स, सिटीज, कंट्रीज, रिवर्स, सीज, माउंटेन्स एंड फेमस बिल्डिंग्स ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर, तो यहाँ पे देखिए द नेम ऑफ पीपल, डेज, मंथ्स, फेस्टिवल, बुक्स, ओके, जैसे पीपल के नेम है, दिनों के नाम है, महीने के नाम है, किसी त्यौहार के नाम है, बुक्स के कोई नाम है पर्टिकुलर जिनका नाम होता है, जैसे किसी घर का नाम लिख दी रख दिया, और किसी सिटी का नाम है, जैसे कोई कंट्री यानी देश के नाम है, रिवर्स का नाम है, सी का नाम है, कोई माउंटेन का पर्टिकुलर नाम है, एंड फेमस बिल्डिंग, कोई फेमस बिल्डिंग है जिसका कोई नाम है, ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, तो इनके जो नाम रहते हैं जब हम उनके नाम लिखते हैं तो उनका ऑलवेज फर्स्ट लेटर कैसे होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना, जैसे कि ये देखिए क्या है, ये कोई फेमस बिल्डिंग है हिस्ट्री की, ओके, जैसे कि उसका नाम है द रेड फोर्ट, इसको क्या बोलते हैं, रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली, रेड फोर्ट तो है पर ये कहाँ पे है, दिल्ली में है, तो देखो रेड फोर्ट उसका पर्टिकुलर नाम दिया है रेड फोर्ट, इसलिए रेड फोर्ट फर्स्ट लेटर उनके कैसे लिखे हैं, कैपिटल लेटर्स लिखे हैं, ओके, और दिल्ली किसी सिटी का नाम है पर्टिकुलर, इसलिए दिल्ली का दी कैसा लिखा है, कैपिटल लेटर्स लिखा है।
We always the use with the name of the books, river and famous building. Can you add two names to each group? तो देखिए यहाँ पे अभी groups दिए हैं, तो यहाँ पे हमें उन्होंने already one one लिख दिए हैं, हमें वहाँ पे और two names add करना है, जैसे कि books का नाम, तो ये books का नाम उन्होंने लिख दिया द गीता, हमें और दो नाम add करने हैं, तो मैंने दो नाम add कर दी हूँ, द रामायणा, ओके द रामायण ये भी एक बुक्स का नाम है, और फिर दूसरा नाम लिख दी हूँ मैंने द बाइबल, द बाइबल ये भी एक बुक्स का नाम है। नेक्स्ट है टू नंबर रिवर्स, अभी रिवर्स में उन्होंने द गंगा लिख दिया है, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट रिवर का नाम लिख दिया जमुना, ये किसी पर्टिकुलर नेम है इसलिए इनके फर्स्ट लेटर कैसे रहेंगे, कैपिटल लेटर, ओके द जमुना और द गोमती, ठीक है ये रिवर्स मतलब नदियों के नाम हैं। नेक्स्ट है फेमस बिल्डिंग्स, ओके बिल्डिंग्स के नाम उन्होंने लिख दिया द ताज, तो मैंने दूसरा लिख दिया द इंडिया गेट, देखो इंडिया का आई मैंने कैपिटल लिखा है, ठीक है और नेक्स्ट लिखा है द गोल्डन टेम्पल, ओके हाँ यहाँ पे क्या लिख दिया है मैंने गोल्डन टेम्पल, ओके नेक्स्ट राइट हियर द नेम ऑफ सम फेस्टिवल, यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स के नाम हमें लिखना है, तो मैंने लिख दिया है दिवाली, पहले दिवाली ऑलरेडी लिखा है, फिर उसके बाद लिख दिया मैंने दशहरा, गुरुपुरब और क्रिसमस, होली और ईद, देखिए ये फेस्टिवल्स के नाम इनके फर्स्ट फर्स्ट लेटर कैसे है, कैपिटल लेटर है, इनके फर्स्ट लेटर कैसे है कैपिटल लेटर्स, तो आपको भी इनके फर्स्ट लेटर कैसे लिखना है कैपिटल लेटर्स, ओके नेक्स्ट This is the bear family. Write a name for each member. ये कौन है bear family है, ये bear के family members है, इनके यहाँ पे word box में दिया है father bear, baby bear, mother bear. तो हम identify कर सकते हैं picture देख के कि इनमें से father bear कौन है, baby bear कौन है, mother bear कौन है, तो वही हमें identify करके यहाँ पे लिखना है. So he is father bear. तो right now father bear, okay. Next, she is mother, yes. So, right now, mother bear, okay. And then he is baby, okay. So, baby bear. Next, this is the bun family. This is the bun family. Name for members, Miss Bun, Mr. Bun, Mrs. Bun and Mr. Bun. So, he is Mr. Bun. She is Mrs. Bun and he is Mr. She is Mrs. Bun. Okay? She is Mrs. Bun. Next, write the names of these in your family. Dad, sister, aunt, grandma, mom, brother, uncle, grandpa. Okay? ये इतने एक्चुअल हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, किसी के अंकल आंटी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर मॉम डैड सिस्टर ब्रदर भाई बहन जो भी हैं, तो आपको इन टू लाइन में आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखना है, ओके ठीक है सबसे पहले डैड का लिखना है, फिर मम्मी का लिखना है, फिर सिस्टर आपकी कौन कौन है, सिस्टर है कि ब्रदर है उनके नाम यहाँ पे लिखना है, फिर आंटी और अंकल होंगे तो उनके नाम लिखना है, और फिर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा अगर ये होंगे तो इनके नाम लिखना है, ओके स्टूडेंट्स आई होप वी ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, सो कंप्लीट दिस टॉपिक इन योर वर्कबुक, ओके बाय बाय।